अच्छा, और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे जो टैक्सीज वगैरह है ना, ये नंबर हमें पहचानने में नहीं आते क्या नंबर है यहाँ पर। हिंदी में लिखा होता है, हिंदी में लिखा है, पुल हिल रहा है हल्का हल्का सा ना, तो हमें अभी यहाँ रास्ता मिला है। कहा तो वो बोलता है मैं तो मुस्लिम, ये देवी का पुटा कैसे कर रहा है। हाँ भैया गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो चुकी है और आज हमारा नेपाल में दूसरा दिन है, और अभी मैं रूम से बाहर निकले हैं हम लोग, अभी एग्जिट कर रहे हैं रूम के अंदर। तो मैं अभी सामने हूँ, ये महिंद्रा नगर का बस स्टैंड है, पूरा देखो ये सारा बस स्टैंड है, यहाँ पे सब बसें आ रही हैं। अभी हम लोग देखते हैं हम लोग जा कहाँ पर है। अभी हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया अभी, और टाइम हो चुका है 10:28, जो यहाँ के 10:28 है, और जो हमारा घर है जैसे यूपी है हमारा, वो 15 मिनट आगे चल रहा है, दिल्ली हमारा 15 मिनट आगे चल रहा है। तो अभी यहाँ पे 10:28 हो चुके हैं, नाश्ता वगैरह किया नहीं है। और ये भैया क्या, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब सही होटल वगैरह सब बढ़िया था यहाँ पे। और अभी हम नीचे वगैरह जा रहे हैं, नीचे कुछ देखेंगे खाने वाने का सीन क्या क्या सीन है। बाकी बैग वैग सब पैक कर लिया हम लोगों ने। और यहाँ पे ठंड वगैरह का सीन ये है कि जैसी ठंड वहाँ पे थी, हमारे घर पे ठंड है, बरेली में ठंड है, ये दिल्ली में ठंड है, वैसी ठंड यहाँ पे कोई भी ठंड में कोई डिफरेंस नहीं है। कोई धूप नहीं निकल रही यहाँ पे, सब देखो सब में क्या नाम है, यहाँ पे बादल ही बादल अभी भी दिख ही रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे बस वगैरह ज़्यादा है। हरवास भाई भी तैयार हो चुके, कैसी रही रात? बहुत अच्छी यार, ये भाई हैं इनके यहाँ पे होटल पे रुके, ठीक है। खाना वगैरह तो हमने शरारत को ही खा लिया था, उसके बाद अभी ब्रेकफास्ट कुछ नहीं किया, बस चाय वगैरह हम पियेंगे, जैसे कि ठंड में चाय बहुत ज़रूरी है, 10 बार चाय मिलनी चाहिए, खाने को कुछ ना मिले चाय मिलनी चाहिए। बाकी अच्छी सर्विस दी इन्होंने यार, अगर कोई भी नेपाल में आ रहा है तो महेंद्र नगर में, मतलब ये सामने इनका होटल का क्या नाम है, सौगात होटल, तो आओ यार, अच्छा डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे आपको। ये है सौगात होटल, पीछे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इस होटल पे आगे आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा हमें सस्ता पड़ा है, ठीक है। अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, और नीचे जाके हम नाश्ता वगैरह करते हैं। तो अभी हम लोग नीचे की तरफ आए हैं, और अभी हमने चाय वगैरह लगवाई है यहाँ पे, यहाँ पे मतलब ये होटल के बाहर ये ठेला है ना, यहाँ हम लोगों ने अभी चाय वगैरह लगवाई है, और चाय वगैरह पियेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से ऑटो पकड़ के निकलते हैं किसी गाँव की तरफ को, बात हमारी अभी गाँव की तरफ को हुई है अभी। तो अभी हम लोग यहाँ पे, हमें शॉप दिखी है वाली जैकेट्स वगैरह की, यहाँ के प्राइस वगैरह भैया से पूछते कितने कितने प्राइस है यहाँ पे, कितने प्राइस है वो तो आगे सोचते, वो भैया आंटी बताएंगे क्या प्राइस है आंटी इन जैकेट्स का। वो कौन सा है? ये वाला जैकेट्स वगैरह का, ये वाला, हाँ हाँ, क्या प्राइस है इसका? ये 1350। 1350 नेपाली करेंसी में, नेपाली करेंसी में 1350 है। और वैसे इस ऊपर वाली क्या रेंज में, वाला बता दो इनको, बता दो 450। तो ये 450 के, और ये जैकेट कितने की, ये वाली लेदर वाली, हाँ जी हाँ जी, ये वाला 3200 का, प्योर लेदर है। हाँ। अच्छा, फिक्स प्राइस होते हैं आपके? हाँ। अच्छा, तो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, और बैग्स वगैरह भी हैं। तो हमें यहाँ पे ये शॉप दिखी, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे दिखा दी जाए आपको, तो आप लोग यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी लेदर है पीछे की तरफ। तो अपनी चाय आ चुकी है, नेपाल की ये पहली चाय हमारी है, रात तो हमें चाय मिली नहीं, तो अभी चाय मिली है, हमें पता नहीं थी कि ये बराबर में हमारे यहाँ पे चाय मिल रही है, नहीं तो हम लोग पी सकते थे यहाँ पे चाय। हाँ भैया, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और भैया ने हमें ऑटो मिल चुका है, तो भाई हमें घुमाएंगे सब जगह। कितनी दूर है यहाँ से? 12 किलोमीटर हम लोग अभी जा रहे हैं विष्णु मंदिर, और यहाँ से 12 किलोमीटर है, भाई हमें घुमाएंगे अभी यहाँ से, और ये वाला ऑटो है, तो अभी बस निकलते हैं यहाँ से अभी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे जो टैक्सीज वगैरह है ना, तो वो टैक्सी पे जो नंबर है, देखो ये नंबर हमें पहचानने में नहीं आता क्या नंबर है, पता नहीं, समझ में नहीं आता क्या नंबर लिखा हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी वगैरह छोड़ दो, यहाँ पे जो बाइक वगैरह है ना, उनके भी सारे नंबर ही समझ में नहीं आते क्या क्या नंबर हैं, जैसे कि ऑटो पे लिखा हुआ है, ऑटो पे भी ये नंबर अलग चेंज है, तो कितना नंबर लिखा हुआ है? 716। अच्छा, ये कौन सी, हिंदी में लिखा होता है हिंदी में लिखा है। अच्छा, तो हिंदी तो हमसे वैसे भी आती नहीं है, तो क्या नाम है, मतलब बोलना आती है, जो लिखा हुआ होती पढ़नी, जो क्या नाम है नुमेरिक जो होते हैं ना हिंदी में, वो हमें समझ में नहीं आते, तो वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी हम लोगों ने ऑटो बुक कर लिया, जो हमारे यहाँ का टुक टुक कहते हैं, वहाँ के कहते हैं कश्मीरी कहते हैं इसको, ऑटो ही कहते हैं और क्या कहेंगे इसको, ऑटो कहते हैं। हाँ, बैटरी टुक टुक भी कहते हैं, बैटरी रिक्शा भी कहते हैं, बैटरी रिक्शा ही बोलते हैं इसमें, वैसे कश्मीर में है नहीं, ये कश्मीर में, जम्मू में,
तो अभी हम लोग बस यहाँ से विष्णु मंदिर जा रहे हैं। विष्णु मंदिर से हम लोग वहाँ पे एक गाँव वगैरह देखेंगे, उसके बाद में फिर देखते हैं कैसे कैसा हिसाब किताब रहता है। बाकी सब बढ़िया। ये बादल की चादर, ये बादल की चादर, ये तारों। यहाँ पे एक एक घर है ना, वो दूरी दूरी पे घर बना रखे हैं इन लोगों ने। ये देखो एक घर यहाँ पे है तो एक घर वहाँ पे, ऐसे दूर दूर पे घर बने रखे हैं यहाँ पे। साथ चल फलक तक, चल साथ मेरे फलक तक, चल चल चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल, मैं छुप जाए पल दो पल। हाँ भैया, तो अभी हम लोग बैटरी रिक्शे से उतर चुके हैं और वो रिक्शा है हमारा, और अभी हम लोग आ चुके हैं विष्णु मंदिर के साइड में। और यहाँ देखो सब खेती गेते गाँव है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। और ये देखो ये पुल है, आए है पुल, बड़ा मस्त है। फलक तक चल साथ मेरे, पुल हिल रहा है हल्का हल्का सा ना, तो डर भी लग रहा है मेरे को, लेकिन टूटेगा नहीं क्योंकि मैं अकेला ही, इतना वजन तो मेरे अंदर है नहीं वैसे भी, लेकिन बैग के अंदर काफ़ी वजन है मेरे बराबर, वजन तो बैग के अंदर लेके घूम रहा हूँ मैं। और मैं अभी ऊंचाई पे आ चुका हूँ, पहली बार मैं ऐसे पुल पे जा रहा हूँ। ये सब जंगल जंगल पड़ा हुआ है, ये शायद यहाँ से पानी वानी की नदी वगैरह होगी, लेकिन नदी वगैरह जाती होगी। वो लोग बहुत आगे पहुँच चुके हैं, अभी हम लोग विष्णु मंदिर जा रहे हैं, वहाँ जाके मिलते हैं आपसे। ये पूरा एरिया जंगल हो चुका है, और जंगलों में से निकल के हम लोग जा रहे हैं अंदर। ये देखो पीछे पीछे भी सारा जंगल है। अच्छा यहाँ पे सब लोग खाता है, ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। अभी हम लोग रास्ता भूल चुके हैं, रास्ता भूल चुके हैं। नहीं थोड़ा सा पूछना था कि ऊपर जाने में मंदिर पे कौन सा रास्ता है। अच्छा तो अच्छा, बच्चों ने बताया अभी कि पीछे वाला जो रास्ता है वहाँ से ऊपर जाओ। हाँ अब हम पीछे वाले रास्ते से जा रहे हैं। ये रास्ता शायद लॉन्ग था या था अभी या नहीं था पता नहीं, तो हमें अभी ये रास्ता मिला है ऊपर जाने के लिए। भैया बोले कि ये रास्ता तो नहीं है, यहीं से जाना है, और इतना भारी बैग लेके कौन चढ़ेगा। चौक है, चलते ही हैं। ये देखो जंगलों में से होते हुए जा रहे हैं हम लोग अभी, एक तो ऊपर से इतना भारी बैग और ऊपर से चढ़ाई। हाँ भैया, तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के सामने। ये देखो मंदिर है पूरा, और ये विष्णु मंदिर है। हम लोग अभी अंदर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे करोगे हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं। मंदिर काफ़ी अच्छा, मतलब येलो येलो शेड में बनाया गया है, येलो येलो इस पर कलर किया गया है। और यहाँ के ज़्यादातर मंदिर ऐसे होते हैं, देखो फलक तक चल साथ। और बाकी ये पीछे तालाब है ना, तालाब के पीछे देखो वहाँ पे बीच में मूर्ति है। सिनेमेटिक सीन देखो आप लोग पहले जाके इसके। चल वो चौबारे ढूंढे, जिनमें चाहत की बूंदे, सच कर दे सपनों को सभी। आए आँखों को नीचे नीचे, मैं तेरे पीछे पीछे, चल तू जो कह दे अभी। गाइस जैसे कि हमारे वहाँ मस्जिद वगैरह होती है, मस्जिद में खादिम होते हैं ठीक है, और वैसे ही ये मंदिर है विष्णु मंदिर, और उनके ये खादिम है। अब ये आपके रिलीजन में पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या नहीं, पुजारी। तो सलाम पेश करता हूँ आपको मैं। तो क्या नाम है सर आपका? गोविंद। आपका? मेरा बाबा रामदास। तो आपका? लक्ष्मण जैसी। तो अच्छा, मुझे इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताओ। भगवान विष्णु का शेषाय का मूर्ति है जी, ये 30 वर्ष पहले यहीं प्रकट हुआ था। अच्छा, ये कन्ने के हाथ में प्रकट हुआ था जी। ये बहुत प्राचीन मूर्ति है जी, और शक्तिशाली मूर्ति है जी। बस ये यहाँ ये सभी लोग इंडिया से, नेपाल से, सभी लोग बाहर से भी बाहर से आते हैं, सभी लोग आते हैं। अच्छा, तो बाकी ये जो मतलब ये साइड में जैसे फ्लैग वगैरह ये झंडे हैं ना, ये इनके बारे में मुझे जानना था कि ये मतलब ये क्या है, ये क्यों लगाए? ये जी, ये नियत इसमें से हमारा झंडा लगाता है, हिंदू धर्म में हमारे भगवान के यहाँ झंडा लगाने का होता है। मतलब कोई भी अगर आते हैं जैसे कि लेके आते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा कोई नहीं,
कोई नहीं वैसा कोई बात अच्छा, नहीं ठीक है ठीक है। तो अंकल ये जो टोपी है ये नेपाली टोपी है? नेपाली टोपी है। ओहो बहुत अच्छी टोपी है। क्या नाम है इसका? टोपी है। टोपी का नाम तो नेपाली टोपी कहते हैं। नेपाली टोपी कहते हैं। चलो ठीक है, शुक्रिया आपका। तो अभी ये सब अभी अंकल ने हमें बताया, बाकी सब बढ़िया है। अभी हम लोग बाहर के सब निकलते फिर देखते हैं। ठीक है, शुक्रिया। अंकल काफी अच्छे थे, अंकल ने हमें सब कुछ बताया। थोड़ा बर्ड जैसा था, वहाँ लाइन लगी थी, मैं भी गया। मेरा ये बीमार कैसा होने वाला है, उधर रखा था देवी का फोटो। अच्छा, मैंने ये देवी का फोटो कैसे रखा? मैंने बोला आप मुस्लिम की हिंदू भंडे बने थे कहा? तो वो बोलता है मैं तो मुस्लिम। अरे भैया इसी ने मुझे दिया है ये खाना, इसी ने दे के रखा है। अच्छा, नहीं कहा था। अच्छा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मजहब हर बंदे का, मतलब ये मैं यही कहूंगा कि जो भी जिसका भी मजहब हो, अपने अपने मजहब की और साथ में जिस दूसरे मजहब है उनकी भी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि भगवान अल्लाह जो भी है वो एक ही है, बस उनका तो, नाम दिया गया तो है। मेरा दोस्त था उधर नौकरी करता था पहले। अच्छा अच्छा, वो मुस्लिम, वो मक्का मदीना का, और वो करता था, वो थोड़ा सा वो मशवरी भी करता था हमारे साथ। अच्छा अच्छा, जो मन में आया तो करता था। ए भाई हिंदू तू सबसे किसको पवित्र मानता है? नहीं बोला उसने। मैंने बोला किसको? गाय को मानता। हाँ भाई ठीक है, गाय खाते हैं हम। ऐसा मानता था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। काफी अच्छी वॉइस है आंटी की। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माशाल्लाह, तो दुआ करते रहना हमारे लिए। आपकी एज कितनी है आंटी? कितनी एज है? क्या नाम, उम्र कितनी है आपकी? नहीं कति वर्ष का भयो भन्नलारेन? 90 वर्ष जान्नु। 90 साल अच्छा आन्टी दिदी काड नाइ छन् म। ठीक है आन्टी, थैंक यू, शुक्रिया। दुआ गर्न बस, दुआ गर्न बस। काड नाइ छन् म, ल काड बिना भयो काड छन् म। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, आंटी ने सर पे हाथ रखा है, बोली बेटा समझ में तो मेरे कुछ भी नहीं आया वैसे भी, लेकिन बोली ठीक है। मेरे को समझ में आया कि हाँ आंटी ने दुआ ही दी होगी, बाकी लैंग्वेज तो मुझे समझ में नहीं आई आंटी क्या बोला आंटी ने। शायद आंटी से हिंदी भी नहीं आती है। हाँ भैया, तो अभी हम लोग मंदिर से आगे आ रहे हैं। हम लोग रास्ते में तो हमें यहाँ पे एक घर दिखे, देखो ये घर है, इधर जंगल है और इधर घर है, और ऊपर जा रहे हैं अभी हम लोग। यहाँ पे अगर कोई मिलता है उनसे ही बातचीत करते हैं हम लोग। ऐसे से घर बने हुए, ताले पड़े हुए, यहाँ पे जा चुके शायद लोग काम पे अपने अपने, तो यहाँ पे सब में ताले डाल रखे हैं इन्होंने, काफ़ी अच्छे। ये देखो सारे घर ही घर हैं। ये घर का रहन सहन इनका, देखो ये सब चीज़ें, चिमटा वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे। रहन सहन ऐसी है, ये नॉर्मल रहन सहन है, मतलब कि यहाँ पे कोई लाइट वगैरह के शायद तार है यहाँ पे, लेकिन बिजली नेटवर्क वगैरह तो हमारे पास तो नेटवर्क आ नहीं रहा यहाँ पे बिल्कुल भी। ये लाइट वगैरह आती है यहाँ पे है? हाँ हाँ, ये केबल वगैरह वो है, लाइट दिख रही है, तो लाइट वगैरह तो यहाँ पे आती है। और ये झोपड़ी बनी पड़ी है यहाँ पे जंगल के अंदर। देखो ये जंगल है, मैं अंदर जंगल में जाके देखूँगा ऊपर क्या है अंदर, यहाँ पे शेर वगैरह ना आ जाएगी, शेर वगैरह तो होगा नहीं, ये जंगल है देखो सारा। चलो फिर हम निकलते हैं अभी यहाँ से, हमारा ई रिक्शा हमारा वेट कर रहा है, वहाँ से हम लोग फिर निकलेंगे दोबारा से महेंद्र नगर की तरफ। मैं सोच रहा हूँ आज रहने का कहाँ जगह देखेंगे, अब क्या आपके घर में रुक सकते हैं? हाँ हाँ, पक्की बात है, खाना मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा बेटा, मिलेगा। भैया क्या ये लकड़ी 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 लेने जा रहे हो? हाँ लकड़ी। दुआ करते रहना, ठीक है, करेंगे दुआ। बाय बाय। तो यहाँ की आंटी वगैरह ये सब लोग अभी जा रहे हैं लकड़ी वकड़ी लेने के लिए जंगल के अंदर, जंगल है तो जंगल में सब लोग जा रहे हैं। ठीक है आंटी, थैंक यू। चलो भाई अब हम निकल रहे हैं अपने ई रिक्शा में बैठ के। बैठा है खिड़की पे तेरी।